मई जून जुलाई में लोग पहाड़ों पर नजारे देखने जाते हैं, नदियों के किनारे कैंप करने जाते हैं, लेकिन इस बार मई जून तो ठीक रहा, जुलाई ने जो दिखाया वो कोई सैलानी देखना नहीं चाहता। हिमाचल और उत्तराखंड में एक एक स्पॉट पिकनिक स्पॉट है, हर शहर की अपनी नेचुरल ब्यूटी है, 50-50 कदम पर मंदिर है। इस बार पहाड़ों से ब्यूटी की बजाय कैलमिटी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, पहाड़ चट्टाने बरसा रहे हैं, नदियां सब बहाए ले जा रही हैं। उत्तरकाशी में सड़क पर खड़ी गाड़ियों की कतार पर ऐसी चट्टाने गिरी कि वो जगह कारों का कब्रिस्तान लगने लगी। कुल्लू में एक ट्रक ऐसे डूब गया जैसे कोई तिनका हो। रास्ते के ज्यादातर ट्रांसफार्मर उखड़ गए हैं। कई शहरों में इतनी बिजली भी नहीं है कि मोबाइल चार्ज किया जा सके। कुदरत का कहर, दरकते पहाड़, डूबते शहर, मानसून की मनमानी, पहाड़ से मैदान तक पानी पानी। डराने लगे हैं पहाड़, हिमाचल और उत्तराखंड में हालात बेहद खराब। शहरों में जलजला, नदियों में सैलाब, इस बार आसमानी आफत बेहिसाब। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आसमानी आफत से तबाही का मंजर है। दरकते पहाड़, डूबते शहर, खिसकती जमीन, बहते पुल और टूटती सड़कें अब डराने लगी हैं। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, मनाली, शिमला में कुदरत के रौद्र रूप से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 72 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार तीसरे दिन की बारिश से अब तक 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जल समाधि ले चुकी है। 60 से ज्यादा गाड़ियां खिलौनों की तरह सैलाब में बह चुकी हैं। 45 घर टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। 4,500 से ज्यादा ट्रांसफार्मर के ठप होने से पूरा हिमाचल अंधेरे में डूब गया है। मंडी में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एहतियातन करीब 115 मकानों को प्रशासन ने खाली करवा लिया है। 800 से ज्यादा रास्ते बंद होने के चलते गांवों से संपर्क टूट गया है। तबाही की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मनाली की हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा खौफ से भर जाएगा। जो कार सड़कों पर रफ्तार भरती हैं, वही सैलाब में बोट की तरह बहती नजर आ रही हैं। दरअसल मनाली में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। मनाली का पुराना गुरुद्वारा भी सैलाब की चपेट में आ गया है। गुरुद्वारे के बाहर पानी के उफान से लोग दहशत में हैं। पुल के ऊपर सैलाब का कहर देखने को मिल रहा है। ब्यास नदी में आए तूफान के बाद पूरे इलाके को खाली करवा लिया गया है। हिमाचल के ही कुल्लू में पार्वती वैली से तबाही की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पहाड़ों से अचानक तेज सैलाब आया और भूस्खलन के साथ साथ पानी का प्रचंड प्रहार देखने को मिला। कुल्लू में भी ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ने से हालात विकराल बने हुए हैं। कुल्लू के अलग अलग इलाकों में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। कुल्लू में नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है। ये तस्वीरें भी कुल्लू की हैं। यहां भारी भरकम ट्रक सैलाब में डिब्बे की तरह बह गया। तेज धार के बीच फंसा यह ट्रक सैलाब में बहकर काफी दूर चला गया। ब्यास नदी का जल स्तर कुल्लू में डेंजर जोन को पार कर गया था, जिसके बाद तबाही का मंजर सामने आया। कुल्लू में सैलाब के चलते करीब 22 लोग 8 घंटे तक फंसे रहे। कुल्लू में ब्यास नदी के किनारे फंसे 6 प्रवासी मजदूरों को रेस्क्यू कर बचाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।